सो हाय गाइस, मेरा नाम है पिंटू कुमार शाह। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। जैसे कि आप जानते हैं, मेरे चैनल पर केवल हेयर से रिलेटेड वीडियो आता है और हेयर से रिलेटेड ही वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। क्यों? क्योंकि बालों का समस्या बहुत लोगों को है और चैनल पर, यूट्यूब पर, बहुत सारा यूट्यूब चैनल पर आप देखते हैं कि बालों का समस्या के कारण बहुत सारा ऑयल आदमी अपलोड करता है, ये ऑयल है अच्छा, बहुत सारा ऑयल का एडवर्टाइजमेंट करता है, कोई सीरम का एडवर्टाइजमेंट करता है, कोई टेबलेट का एडवर्टाइज करता है, बहुत सारा एडवर्टाइज करता है। मगर मेरा एक है आदिवासी हेयर ऑयल, मेरा नहीं है, हमने परचेस किया है। आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में तो आप सुने ही होंगे। आदिवासी हेयर ऑयल का मेरा वीडियो भी बना हुआ है और काफ़ी अच्छा अच्छा वीडियो बनाया गया है, उस पर 2000-3000 से ऊपर व्यूज़ आ गया है, तत्काल में आया हुआ है और काफ़ी अच्छा व्यूज़ आया है माना जाए तो। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये आदिवासी हेयर ऑयल है, देख सकते हैं ये आदिवासी हेयर ऑयल है और ये काफ़ी अच्छा हेयर ऑयल माना जाता है। आदिवासी हेयर ऑयल मैंने परचेस किया इस हेयर ऑयल को 1500 रुपये में, यानी कि 1500 रुपये में मैंने ये परचेस किया और ये बिल्कुल ही ओरिजिनल है। मुझे होम डिलीवरी देने के लिए आया था घर पर ही और काफ़ी अच्छा ऑयल है ये। और इसमें से देख सकते हैं मैंने इतना यूज़ किया हूँ, इससे और काफ़ी अच्छा ऑयल है। मैंने इसको इस्तेमाल भी किया हूँ, मैंने अभी इसको लगातार पाँच दिन रेगुलर इस्तेमाल किया और उसके बाद एक दिन गैप करके मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ और हेयर वॉश करता हूँ, किसी भी माइल्ड शैम्पू से मैं हेयर वॉश करता हूँ या दही से हेयर वॉश मैं कर लेता हूँ। तो आपको मैं सबसे पहले अपना हेयर दिखाऊंगा। मैंने इसको 5 दिन लगातार यूज़ किया, उसके बाद में एक एक दिन बीच करके मैं यूज़ इसे करता हूँ। अब इसको मैं दिखाता हूँ सबसे पहले आपको, ठीक है। ये मैंने केप निकाला और केप निकाल कर मैं आपको बाल दिखाऊंगा। जैसे देख सकते हैं मेरा बाल देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा बाल हो चुका है। आप रिजल्ट खुद भी देख सकते हैं कि बाल मेरा जम रहा है या नहीं जम रहा है। मैं अपना डीपी लगा दूंगा, पहले का जो मेरा बाल था और अब का बाल में कोई डिफरेंस है या नहीं है, आप ही लोग देख सकते हैं। ये साइड में देख सकते हैं निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, आप ही लोग देख के आप जस्टिफाई कीजिए, वेरीफाई कीजिए कि बाल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। साइड में देख सकते हैं, ऐसे तो साइड में मेरा बाल काफ़ी मजबूत है और ऊपर से हल्का हल्का गैप हो गया है, आप देख सकते हैं। और इस आदिवासी हेयर ऑयल को मैं अभी 5 दिन लगातार यूज़ किया, उसके बाद मैं एक दिन अल्टरनेट करके मैं यूज़ करता हूँ और इसका मुझे यूज़ करने का 10 दिन हो गया, यानी कि 10 दिन से मैं इसे इस ऑयल को यूज़ कर रहा हूँ 10 दिन से। और 10 दिन से यूज़ करने के बाद में इस तरह का रिजल्ट है, आप देख सकते हैं इस तरह का रिजल्ट है अभी तक। एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी तक मुझे कोई काफ़ी फ़र्क नहीं दिखा है इस ऑयल से, कि इस ऑयल में दावा किया जाता है कि यदि आपके बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, रूसी हो गया, डेंड्रफ हो गया, तो मुँह में बाल हो गया या बाल पूरा ख़त्म हो चुका है या सफ़ेद हो गया है तो आपका बाल निकल जाता है, इस तरह का दावा देता है कि बालों का कोई भी समस्या ठीक करता है। इस तरह का कोई मुझे अभी तक कोई ये नहीं देखा है और मुझे लगता है कि पहले से मतलब थोड़ा थोड़ा ब्लैक हुआ है बाल मेरा, इतना हम बताते हैं कि मेरा बाल थोड़ा ब्राउन कलर हो गया था, पहले से थोड़ा ब्लैक हुआ है 10 दिन के अंदर में जो मैं यूज़ किया है, पहले से ब्लैक हुआ है यानी कि काला हुआ है मेरा बाल। अभी तक झड़ना रुका नहीं है, झड़ने के लिए अभी रुका नहीं है और रीग्रोथ का तो अभी बात ही नहीं है। तो सो थैंक यू, आपको ये ऑयल मंगाना होगा आपको। और एक ऑयल के बारे में बता देते हैं, इस ऑयल में जड़ी बूटी मिला होता है, ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल लिखा हुआ है, यहाँ पर हक्की पक्की लिखा हुआ है, हक्की पक्की और हर्बल हेयर ऑयल यहाँ पर लिखा हुआ है। 108 जड़ी बूटी यानी कि 108 हर्ब्स से बनाया गया है, यहाँ पर लिखा भी है ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक लिखा हुआ है। 35 ईयर्स यानी कि 35 सालों से ये जड़ी बूटी इनके दादा परदादा सब यूज़ करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं MRP लिखा हुआ है 1500 और नीचे लिखा हुआ है 3000, यानी कि 500 ml का 1500 रुपये और 1000 ml का 3000 रुपये लिखा हुआ है, मगर आपको 1000 ml का 2500 रुपये में ही आपको मिल जाता है।
तो थैंक यू, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।